नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश में मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर माहौल गर्माया हुआ है। खूब बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि इस उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के बागी नेता और निवर्तमान विधायक दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं सपा की ओर से सुधाकर सिंह मैदान में है। दोनों ही पार्टी घोसी विधानसभा सीट पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन इन सब के बीच अभी तक मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ने इस उपचुनाव के लिए अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसके पीछे मायावती की एक खास रणनीति बताई जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी में घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर खूब राजनीति देखने को मिल रही है। बीजेपी और सपा की तरफ से उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए गए हैं, वहीं मायावती ने अभी तक इस पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इस उपचुनाव के लिए मायावती अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, यानी कि अब घोसी में सीधा मुकाबला भाजपा के दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह के बीच देखने को मिल सकता है और यही चुनाव तय करेगा कि किस में कितना है दम। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी पार्टी इस उपचुनाव को जीतेगी तो यह माना जाएगा कि उसका गठबंधन उत्तर प्रदेश में मजबूत है। यानी ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के रहते अगर समाजवादी पार्टी घोसी उपचुनाव जीत लेगी तो अखिलेश यादव का कद इंडिया गठबंधन में और बढ़ जाएगा, क्योंकि तब यह कहा जाएगा कि भाजपा के अपने गठबंधन में राजभर और दारा सिंह जैसे नेताओं के होने के बाद भी अखिलेश यादव का गठबंधन भारी है और उन्हें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन लीड करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर सपा हार गई और भाजपा जीत गई, तब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। इन्हें सब बातों को लेकर ये उपचुनाव और ज्यादा रोचक बनता जा रहा है। बता दें कि ऐसी चर्चा है कि भाजपा चाहती है कि बसपा यहां अपना उम्मीदवार उतारे और सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं मुस्लिम चेहरा इस उपचुनाव में उतारे ताकि उनके लिए यह जीत आसान हो जाए। लेकिन मायावती भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, तभी तो फिलहाल चुनाव से खुद को दूर रखकर बड़ा संदेश देना चाहती है ताकि विपक्ष के नेता उनकी कमी को शिद्दत से महसूस कर सके। जानकारी के अनुसार भाजपा के भीतर घोसी में उपचुनाव लड़ने को लेकर दो राय है। एक धड़ा यह चाहता है कि घोसी उपचुनाव को लड़ा जाए क्योंकि यहां भाजपा का अपना वोट 50 से 60 हजार तक है, ऐसे में इसे खाली छोड़ना भाजपा के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन मायावती ने ये कह दिया कि जब लड़ना था तो पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। वही दूसरा धड़ा जो घोसी का स्थानीय नेतृत्व है, वह चाहता है कि इस बार दारा सिंह चौहान को हराया जाए ताकि 2024 में भाजपा की दावेदारी और ज्यादा मजबूत हो सके। तो जिस तरह से घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर मायावती की चर्चा तेज हो गई है, वहीं एक नजर कांग्रेस पार्टी पर भी टिकी हुई है। क्या कांग्रेस पार्टी बिन मांगे इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देगी या फिर समाजवादी पार्टी के समर्थन मांगने का इंतजार करेगी, इस पर नजर इसलिए है कि अखिलेश यादव ने अगर विपक्ष से समर्थन मांगा तो फिर यह चुनाव इंडिया बनाम एनडीए होगा। लेकिन अगर उन्होंने अपनी लड़ाई अलग रखी तो कई सवाल फिर से खड़े हो जाएंगे। दोनों ही तरफ से अखिलेश यादव के लिए सोचने वाली बात हो गई है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।